एलएलबी में पढ़ाए जाने वाले पेपर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी यानी संपत्ति अंतरण अधिनियम के बारे में आज बात करेंगे, और उसमें जो सिलेबस है उसको शॉर्ट में बताने की कोशिश करेंगे। ये हमारा लेक्चर जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट यानी संपत्ति अंतरण अधिनियम की जानकारी रखना चाहते हैं उनके लिए, जो 5 साल वाले एलएलबी कोर्स में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के लिए पेपर के लिए, और 3 साल के ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एलएलबी के ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के पेपर के लिए उपयोगी हो सकता है। इसमें ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट और ईजमेंट एक्ट दो एक्ट की जानकारी शामिल है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें डेफिनेशन की, परिभाषाओं की। इसमें सबसे पहली परिभाषा अचल संपत्ति की महत्वपूर्ण है। अचल संपत्ति की परिभाषा जो इसमें दी गई है सेक्शन 3 में, उसमें पूरी परिभाषा नहीं दी गई है। उसमें ये कहा गया कि स्थावर संपत्ति यानी अचल संपत्ति के अंतर्गत खड़ा कास्ट उगती फसलें या घास नहीं है, यानी एक्सक्लूडेड परिभाषा दी गई। उसमें ये नहीं बताया गया कि क्या है, इसमें ये बताया गया क्या शामिल नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये पूरी परिभाषा नहीं है। इसके लिए फिर अगर कोई किसी एक्ट में पूरी परिभाषा नहीं होती तो जनरल क्लासेस एक्ट यानी साधारण खंड अधिनियम देखना पड़ता है। साधारण खंड अधिनियम में यानी जनरल क्लासेस एक्ट 1897 में धारा 3 के सबसेक्शन 26 में 326 में जो है परिभाषा दी गई है अचल संपत्ति की। उसमें कहा गया है अचल संपत्ति के अंतर्गत भूमि से उत्पन्न होने वाले लाभ तथा भूमि से जुड़ी हुई चीज़ें आती हैं, यानी उसमें 3 चीज़ें की गई। एक तो भूमि जमीन लैंड, भूमि से उत्पन्न होने वाले लाभ जो उससे लाभ उत्पन्न हो सकते हैं, ठीक। और तीसरा भूमि से जुड़ी जो भी जो चीज़ें हैं वो आती हैं। अब इन दोनों परिभाषाओं को हम अगर जोड़ लें तो इसमें क्या क्या आ जाएगा। सबसे पहले भूमि आ जाएगी। भूमि का मतलब ये है भूमि के अधीन खनिज आ जाएगा, कोयला आ जाएगा, सोने की खाने आ जाएंगी, ये सब भूमि के अंतर्गत आ जाएंगे। अब दूसरी चीज़ आएगी भूमि से उत्पन्न लाभ, बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड। इसमें अचल संपत्ति से होने वाले लाभ शामिल होंगे। इसकी परिभाषा जो है लाभों के लिए भी अलग से कोई परिभाषा इसमें नहीं दी गई है। उसमें यह है कि प्रत्यक्ष लाभों में मकानों से प्राप्त ऋण, मेलों या बाजारों या अन्य मेलों से लाभ, पेड़ों के पत्ते या टहनियों को एकत्रित करने का अधिकार, भूमि की मालगुजारी आदि के लाभ, ये जो है इसके भूमि से उत्पन्न जो है लाभ में हो जाएंगे। आनंद बोरा बनाम उड़ीसा राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मछली पकड़ने का अधिकार भूमि से प्राप्त लाभ के अंतर्गत आता है, मछली पकड़ने का। अब तीसरी बात आई खड़ा कास्ट स्टैंडिंग टिम्बर। खड़े कास्ट में वे वृक्ष होते हैं जिनका उपयोग भवन, मकान या औद्योगिक कार्यों के लिए किया जाता है। खड़ा कास्ट यानी टिम्बर से मतलब है ये चल संपत्ति है, इनका उपयोग कटने के बाद ही होता है, इसे अचल संपत्ति नहीं माना जाता क्योंकि TPA ने कह दिया ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ने कि सब जो खड़ा कास्ट है वो अचल संपत्ति नहीं है। इसका मतलब वो चल संपत्ति है, भले जमीन वो जो है भूमि पे खड़ा है, पौधे हैं लगे हुए, एक तरीके से पेड़ लगे हुए हैं वो, लेकिन टिम्बर के पेड़ हैं तो उसे जो है वो चल संपत्ति अचल संपत्ति नहीं माना जाएगा, इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं माना। उगती फसलों को भी अचल संपत्ति नहीं माना जाता है। ये भी क्लियर किया गया कि उगती हुई फसलें जो है अचल संपत्ति नहीं होंगी। इसमें गेहूं, चना, टमाटर, पान की फसलें, गन्ने की फसलें, नील की अंगूर की जितनी भी फसलें हैं वो सब ये चल संपत्तियां मानी जाएंगी। अब पांचवी चीज घास जो है वो भी चल संपत्ति मानी जाती है, जबकि खास जमीन से लगी हुई आप कहेंगे ये चल तो सकती नहीं, लेकिन उसे चल संपत्ति माना जाता है, अचल संपत्ति नहीं माना जाता। घास का प्रयोग जमीन में लगे हुए भी हो सकता है लेकिन फिर भी उसे चल संपत्ति माना जाता है, अचल संपत्ति नहीं माना जाता। तो अगर हम उदाहरण देखें तो ताड़ का वृक्ष जो है अचल संपत्ति हो गया, मार्ग का अधिकार अचल संपत्ति हो गया, तेंदुपत्ता एकत्रित करने का अधिकार, वंशानुगत कार्यालय, मछली पकड़ने संग्रहण का अधिकार, भूमि से उत्पन्न लाभ प्रतिहित पद या सुखाधिकार का अधिकार, पट्टा या काश्तकारी का अधिकार, खनिज पदार्थ निकालने का अधिकार, नदियों द्वारा यातायात का अधिकार, मोचन का अधिकार, बंधकदार का अधिकार, पर भूमि का मालिकाना अधिकार, प्रदर्शनी व मेले लगवाने का अधिकार, लाख से
के पेड़ से लाभ संग्रह करने का अधिकार, ये सब जो है अचल संपत्ति के उदाहरण है। अब दूसरी परिभाषा आती है भूमि से संपद यानी अटैच टू अर्थ, इसे भी धारा 3 में परिभाषित किया गया है। उसमें कहा गया कि भूमि में जो भूमि से आबद अटैच टू अर्थ जो होगा उसमें 3 चीज़ें शामिल होंगी। भूमि में निविष्ट वस्तुएं, जो इस प्रकार भूमि में निविष्ट वस्तुओं से संलग्न हो, और पृथ्वी में मूलित वस्तुएं, यानी भूमि में निविष्ट वस्तुएं थिंग्स एम्बेडेड इन द अर्थ, ठीक है, वे वस्तुएं जो पृथ्वी में दृढ़ता से निविष्ट की गई, अंदर हैं, भाग भूमि का भाग बन गई हैं, जैसे घर, गृह, भवन, दीवारें, विद्युत खंभे, पृथ्वी में निविष्ट वस्तुएं यानी उसमें पृथ्वी में घुसा दी गई हैं और वह है एम्बेडेड है, एम्बेडेड इन द अर्थ। अब जो इस प्रकार निविष्ट हैं उनसे संलग्न वस्तुएं जो निविष्ट हैं इनमें, उसके साथ जुड़ी हुई जो वस्तुएं हैं वो भी जो है वो भूमि से संबद्ध मानी जाएंगी। ऐसी वस्तुएं वे ये स्थाई फायदा उससे प्रयोग किया जा सकता है। जंगम वस्तु को भूवत माना जाएगा यानी इनसे जुड़ी हुई वस्तुएं, जैसे भवन में जुड़ी हुई कोई वस्तु है जो जुड़ी ही है तो उसे चल संपत्ति नहीं माना जाएगा भले पहले चल संपत्ति थी। तीसरा पृथ्वी से मूलित वस्तुएं, पेड़ पौधे झाड़ियां अपनी जड़ों की सहायता से स्वयं को पृथ्वी में स्थिर रखते हैं और भूमि का भाग हो जाते हैं तो वो भी जो है भूमि से संबद्ध माना जाता है अटैच टू अर्थ। तीसरी परिभाषा आती है अनुयोज्य दावे एक्शनेबल क्लेम। पहले जो भी न्यायालय में 1900 से पूर्व की स्थिति ये थी, संशोधित अधिनियम 1900 पूर्व से अमेंडमेंट एक्ट 19 से पहले की स्थिति ये थी कि जो भी दावे किए जा सकते थे सिविल न्यायालय में वो सब एक्शनेबल क्लेम माने जाते थे, लेकिन अब एक्शनेबल क्लेम वो नहीं माने जाते हैं। अब कौन कौन से माने जाते हैं, किसी अनसिक्योर्ड लोन का दावा माना जाएगा, चल संपत्ति में जो दावेदार कब्जे में ना हो उसके लाभकारी हित का दावा, और जो है ये एक्शनेबल क्लेम माने जाते हैं। अब किसने नहीं माना जाता एक्शनेबल क्लेम, डिग्री को नहीं माना जाता, संविदा के उल्लंघन के परिणाम स्वरूप क्षतिपूर्ति को नहीं माना जाता, कॉपीराइट को नहीं माना जाता, भावी अनुज्ञप्ति को नहीं माना जाता, मध्यवर्ती लाभ या दावे को नहीं माना जाता, बंधक की प्रतिभूति को वापस लेने का अधिकार को नहीं माना जाता, गिरवी रखी संपत्ति को वापस लेने के अधिकार को नहीं माना जाता। यानी इसमें जो परिभाषा दी गई तो उसमें यह है कि सेक्शन 3 में जो दी गई अनुयाज्य दावे यानी एक्शनेबल क्लेम से अभिप्राय अचल संपत्ति के बंधक द्वारा या जंगम संपत्ति के अंडमान या गिरवी द्वारा प्रतिभूति ऋण से भिन्न यानी इनके अलावा किसी ऋण से या उस जंगम संपत्ति से, जंगम यानी मूवेबल संपत्ति प्रॉपर्टी, जो दावेदार के वास्तविक या अन्यायी कब्जे में नहीं है फायदाप्रद हित का ऐसा दावा अभिप्रेत है जिसे सिविल न्यायालय में अनुतोष देने के आधार पर करने वाला मानता हो, चाहे ऐसा ऋण या फायदा हित वर्तमान प्रोद्भवान सशर्त या समाश्रित हो। यानी इसका मतलब ये है कि ये जो 3 चीज़ें लिखी गई हैं ये अचल संपत्ति इसमें अनुयोज्य दावे में नहीं होंगी, और बाकी ऐसी चीज़ें जिसे कोर्ट ये माने सिविल कोर्ट कि अभी इसका दावा किया जा सकता है फायदा ये दावा किया जा सकता है उसे ही एक्शन बिल के माना जाए। अब चौथी परिभाषा आती है सूचना की यानी नोटिस की, कि नोटिस किसे कहेंगे। सेक्शन 3 कहती है किसी तथ्य की किसी व्यक्ति को सूचना है ये तब कहा जाता है जब वास्तव में वो उस तथ्य को जानता है, अथवा यदि ऐसी जांच या तलाश जो उसे करनी चाहिए थी करने से जानबूझकर प्रवीणित न रहता या घोर उपेक्षा ना करता तो वो उससे उस तथ्य को जान लेता। यानी सेक्शन 3 में क्या चीज़ हुई, पहले तो वास्तविक सूचना यानी एक किसी कोई व्यक्ति उस चीज़ को जानता है तो वो सूचना हो गई, नोटिस हो गया उसे। दूसरा अन्याविक सूचना यानी इम्प्लाइड सूचना, ये तो एक्चुअल सूचना हो गई, दूसरी इम्प्लाइड सूचना हो गई। इम्प्लाइड सूचना क्या होती है या कंस्ट्रक्टिव सूचना जिसे कह सकते हैं, उसमें यह है कि वो अगर साधारण उससे जो है कोशिश करता तो जान लेता, अगर लापरवाही नहीं करता, अगर लापरवाही से वो उस बात को नहीं जानता सोता रहता है तो उसे भी सूचना मान लिया जाता है कि भाई उसे अब अगर मान लीजिए वो उस चीज़ को देखता
जो है मतलब कोशिश करता है, और वो जो है साधारण कोशिश जो है वो उसमें उपेक्षा नहीं करता, तो उसे मान लिया जाता स्वेच्छापूर्ण अवहेलना नहीं करनी है, और घोर उपेक्षा यानी घोर उपेक्षा ग्रॉस नेग्लिजेंस की वजह से वो अगर नहीं मानता है मतलब पता नहीं चलता है तो भी वो मान लिया जाता है। और तीसरा अनियमित में ये होता है कंस्ट्रक्टिव नोटिस में कि पंजीकरण, अगर पंजीकरण एक किसी चीज़ का करा दिया गया है तो उसे सूचित मान लिया जाता है कि रजिस्टर्ड है। अगर किसी रजिस्ट्रेशन एक्ट में जैसे किसी भी अचल संपत्ति को ट्रांसफ़र के लिए रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है, तो ऐसी स्थिति में उसे ये मान लिया जाता है कि साहब ये बिक गई है, वो फिर जो है ये पता लगाने या उसे सूचित करने की ज़रूरत नहीं कि ये बिकी है या नहीं बिकी है जो रजिस्टर्ड है। यानी रजिस्टर्ड के यहाँ तो आपको देखना ही है क्योंकि ओपन है वो। अचल संपत्ति के अधिपत्य की सूचना, अगर अचल संपत्ति का एक्चुअल पोजीशन है उसकी सूचना भी जो है नोटिस मान लिया जाता है टाइटल का, ये सब आपको देखना चाहिए कि कब्जा किसका है अगर अचल संपत्ति लेने जा रहे हैं। और तीसरी सूचना होती है, ये तो दूसरी हो गई मतलब एक एक्चुअल हो गई, दूसरी कंस्ट्रक्टिव हो गई, तीसरी नोटिस टू एन एजेंट अभिकर्ता को सूचना, अगर अभिकर्ता को सूचना है उसके एजेंट को सूचना दे दी गई है तो भी सूचना मान ली जाएगी। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि साहब एक व्यक्ति बैठा है उसका रिप्रेजेंटेटिव जो है जो उसने अथोराइज कर रखा है वो रिप्रेजेंटेटिव कहीं और बैठा है, तो खाली आप रिप्रेजेंटेटिव को सूचना दे देंगे तो भी उसे जो है मान लिया जाए। अगली परिभाषा की बात हम करते हैं वो है अटेस्टेशन यानी प्रमाणीकरण। इसमें सेक्शन 3 में इसकी भी परिभाषा दी गई है, किसी लिखित के संबंध में, इसकी जो परिभाषा है वो ये है, किसी लिखित के संबंध में अनुप्रमाणित से दो या अधिक साक्षियों द्वारा अनुप्रमाणित अभिप्रेत है जिसमें लिखित पर प्रत्येक निष्पादक को हस्ताक्षर करते या चिन्ह लगाते देखा है या निष्पादक की उपस्थिति में और उसके निर्देश द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को लिखित पर हस्ताक्षर करते देखा है या निष्पादक से आप उसके अपने हस्ताक्षर या चिन्ह की या ऐसे अन्य वस्तु के हस्ताक्षर की अभिस्वीकृति पाई है और जिसमें से प्रत्येक ने निष्पादक की उपस्थिति में लिखित पर हस्ताक्षर किए हैं, लेकिन यह आवश्यक नहीं होगा कि ऐसे साक्षियों में से अधिक एक ही समय में उपस्थित रहे हों और अनुप्रमाणन का कोई विशेष प्रारूप आवश्यक नहीं। इसका मतलब यह है कि अटेस्टेशन किसे कहेंगे, अटेस्टेशन में दो या दो से अधिक, पहली बात होनी चाहिए कि दो या दो से अधिक गवाहों के हस्ताक्षर अंतरणकर्ता या निष्पादक के समक्ष होने चाहिए, यानी जो ट्रांसफ़र कर रहा है उसके सामने दो गवाह शामिल होने चाहिए, दो गवाहों के हस्ताक्षर होने चाहिए। अब दूसरी बात ये कि हस्ताक्षर करने से कम इन तीन में से एक शर्त का पालन होना चाहिए, पहला प्रत्येक साक्षी ने अंतरणकर्ता या निष्पादक को हस्ताक्षर करते या चिन्ह लगाते देखा हो, यानी हर एक गवाह ने उसे जो है हस्ताक्षर करते या चिन्ह लगाने से मतलब अंगूठा लगाते हैं निशानी लगाते हुए देखा हो, जो है साइन नहीं करता तब अंगूठा लगाया। दूसरा अंतरणकर्ता या निष्पादक की उपस्थिति में और उसके निर्देश द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को, यानी मतलब उसने किसी को पावर ट्रानी दे रखी है तो वो कोई अन्य व्यक्ति को चिन्ह लगाते हुए देखा हो, या तो उन्हें अंतरणकर्ता को देखा हो या किसी अन्य को देखा हो, ठीक है। तीसरा ये उसमें अभिस्वीकृति प्राप्त की हो, यानी अब जो है अभिस्वीकृति मतलब उसने जो है निष्पादक ने पहले से हस्ताक्षर कर दिए भले, लेकिन उसने कहा कि हाँ साहब ये हस्ताक्षर मेरे हैं, वो अपने सामने उसने ये कह दिया गवाहों के सामने, तो भी इसे मान लिया जाएगा। तीसरी जो इसका तत्व है, अनुप्रमाणन के समय प्रत्येक गवाहों की एक समय में उपस्थिति आवश्यक नहीं है, एक एक गवाह उपस्थित हो भले अनुप्रमाणन करने का, इसमें ये भी क्लियर किया गया सेक्शन 3 में कि अनुप्रमाणन करने का कोई विशिष्ट प्रारूप नहीं, प्रारूप मतलब कोई प्रोफार्मा नहीं है कि साहब ये होगा, कुछ भी लिखा जा सकता है जिससे ये साबित हो कि साहब ये गवाहों के सामने इसका निष्पादन किया गया है। अब बात करते हैं संपत्ति अंतरण की, संपत्ति अंतरण किसे कहते हैं, ये सबसे पूरा अधिनियम ही संपत्ति अंतरण पे है तो इसे ये सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा हुई। ये सेक्शन 5 में संपत्ति अंतरण की परिभाषा दी गई है, उसमें कहा गया कि संपत्ति अंतरण से ऐसा कार्य अभिप्रेत है जिसके द्वारा कोई जीवित व्यक्ति एक या अधिक अन्य जीवित व्यक्तियों को या स्वयं को अथवा स्वयं और एक या अधिक अन्य जीवित व्यक्तियों को वर्तमान में या भविष्य में संपत्ति अंतरण करता है, और संपत्ति का अंतरण करना ऐसा कार्य और संपत्ति को का अंतरण करना ऐसा कार्य करना है, ये
जो है परिभाषा इसमें दी गई है। अब सवाल ये है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है, जीवित व्यक्ति को, यानी कोई भी मृत व्यक्ति को या जो जन्मा नहीं है उसे जो है संपत्ति अंतर नहीं किया जा सकता है। इसकी हम आगे बात करेंगे कि इसका एक अपवाद भी है। अब इसमें संपत्ति अंतरण में पहली बात ये हुई, जीवित व्यक्ति होना चाहिए, ठीक है, सिर्फ मनुष्य से नहीं होता है इसका, जीवित व्यक्ति का मतलब वैधानिक व्यक्ति से भी होता है कि कंपनी को भी किया जा सकता है, वो भी उसे भी जीवित व्यक्ति मान लिया गया, कंपनी है, पार्टनरशिप फर्म है, जो भी जो संगठन और संस्थाएँ होती हैं जो है उसमें है, और वो चाहे रजिस्टर्ड ना भी हो तो भी मान लिया जाता है कि वो जो है जीवित व्यक्ति है। दूसरा, संपत्ति होना चाहिए। संपत्ति का अर्थ स्वत्व, स्वामित्व तथा अन्य समस्त ऐसे अधिकारों से है। संपत्ति में खाली जो है प्रॉपर्टी शामिल नहीं है, अचल संपत्ति, अचल संपत्ति शामिल नहीं है, उसमें अधिकार भी शामिल होते हैं। तीसरा, अंतरण, ट्रांसफर होना चाहिए, एक व्यक्ति का दूसरे पे पहुंचाना चाहिए, अंतरण होना चाहिए, और 100 रुपये से ज़्यादा की कोई भी संपत्ति का अंतरण जो है वो लिखित ही हो सकता है अचल संपत्ति का। चौथा, ये विधिमान्य उद्देश्य होना चाहिए, जो संविदा अधिनियम की सेक्शन 23 में पढ़ा था आपने कंट्रैक्ट एक्ट में, कि संपत्ति का अंतरण किसी विधिक उद्देश्य से होना चाहिए, अवैध कार्य के लिए उसे नहीं होना चाहिए। और पांचवा, वर्तमान में या भविष्य में उसका अंतरण किया जा सकता है, मतलब भविष्य के लिए भी अंतरण किया जा सकता है, यानी कि साफ फौरन का फौरन जो है उसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब अंतरण के लिए कौन सक्षम व्यक्ति होंगे, ये वही व्यक्ति होंगे जो आपने जो है संविदा अधिनियम में सेक्शन 11 में पढ़े कि अवयस्क नहीं होना चाहिए, विकृत नहीं होना चाहिए, वो विधि द्वारा योग्य व्यक्ति नहीं होना चाहिए। अब क्या सवाल ये होता उठता है कि क्या सभी संपत्तियां अंतरित की जा सकती हैं, तो सेक्शन 6 इसे क्लियर करती है कि ये संपत्तियां अंतरित नहीं की जा सकती। इसमें पहला है बारिश की संभावना का अंतरण, कि कोई बारिश बनने वाला है तो उसकी संभावना का अंतरण नहीं किया जा सकता कि साहब मेरे पिताजी मरेंगे और ये मुझे संपत्ति मिलेगी और इसको मैं अंतरित करना चाहता हूँ, तो वो संपत्ति अंतरित नहीं हो सकती है। पुनः प्रवेश का अधिकार, अगर मान लीजिए कोई जो है राइट टू री एंट्री होता है कि किसी में किसी उसमें जो है कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा है या किसी जो है दस्तावेज में ये लिखा कि हम इसे दोबारा खरीद सकते हैं, इस संपत्ति को दोबारा एंट्री कर सकते हैं, तो जो है वो अधिकार जो है वो उसे ट्रांसफ़र नहीं कर सकता किसी और को, उसे तो खुद ही दोबारा करना पड़ेगा, किसी अन्य को नहीं करना पड़ेगा। तीसरा, सुखाचार इजमेंट की हम डिटेल में बात करेंगे वैसे, लेकिन इजमेंट जो है संपत्ति से अतिरिक्त अलग से जो है वो ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। चौथा, निजी हित जो है पर्सनल राइट जो हैं वो ट्रांसफ़र नहीं किए जा सकते हैं। भविष्य में भरण पोषण का अधिकार, भविष्य में भरण पोषण करने का अधिकार भी जो है ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता, और केवल मुकदमा करने का अधिकार भी ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है। और लोकपद, पब्लिक ऑफिस आप जानते हैं, लोकपद ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है कि साहब मुख्यमंत्री पब्लिक ऑफिस है या कोई भी जो है अधिकारी पब्लिक पद है वो ट्रांसफ़र कर दे कि नहीं साहब मैं किसी अन्य को ट्रांसफ़र। पेंशन भी ट्रांसफ़र नहीं की जा सकती है। हित की प्रकृति के विरुद्ध अंतरण नहीं हो सकता है, यानी कोई ऐसा अंतरण भी नहीं हो सकता है कि जो खुद ही जो है वो गलत हो जाए, जैसे हवा पानी तथा प्रकाश का अंतरण नहीं हो सकता क्योंकि वो उसकी प्रकृति के विरुद्ध है। और दूसरा, धारा 23 के अंतर्गत जो संविदा अधिनियम में अवैध उद्देश्य या प्रतिफल के लिए भी अंतरण नहीं हो सकता। अधिभोग का अधिकार भी अंतरणीय नहीं हो सकता है, राइट टू ऑक्यूपेंसी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अंतरण नहीं हो सकती है। अब इसमें एक बात आई कि केवल शाश्वतता का नियम, जिसे हम कहते हैं शाश्वतता का नियम, यानी जिंदा रहने का या जीवन व्यक्ति जीवित व्यक्ति का, क्या जीवित व्यक्ति के लिए ही ट्रांसफ़र हो सकता है, ठीक है, तो इसकी एक अपवाद भी है धारा 13। उसमें ये लिखा हुआ है कि संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत अजन्मे व्यक्ति के फायदे की बात, ठीक है, अजन्मे व्यक्ति के
को तो अंतरण सीधे नहीं किया जा सकता, जो बच्चा पैदा नहीं हुआ पैदा होने वाला है, लेकिन उसका कोई हित किसी अन्य व्यक्ति को ट्रांसफर किया जा सकता है कि भाई आपने ये कहा कि ये जो बच्चा है इसका पैदा होगा, ये का बच्चा है जो ये पैदा होगा, इसको ये प्रॉपर्टी इसके जीवित होने के बाद मिलेगी, लेकिन तब तक इसे मिलेगी जीवित व्यक्ति को, मतलब तब तक वो रहेगा, और उसके बाद जब वो आ जाएगा दुनिया में, या जब 18 साल का हो जाएगा, या जब 21 साल का हो जाएगा, तो वो संपत्ति का वो मालिक हो जाएगा। इस तरीके से उसका अंतरण किया जा सकता है अजन्मे व्यक्ति, सीमित हित, जिसे हम कहते हैं सीमित हित का अंतरण हो सकता है। अब बात करते हैं इलेक्शन की। इसमें चयन, इसका मतलब हुआ धारा 35 में चयन के सिद्धांत को जो है क्लियर किया गया है। इसका चयन या निर्वाचन, डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन, इसे हम ये कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति के समक्ष दो विकल्प उपस्थित तथा उसे दोनों में से एक को निर्वाचित करने का अधिकार हो, अथवा कोई दो परिस्थितियां सम्मुख हो जिन्हें एक का चयन करना हो और दूसरे को छोड़ना आवश्यक हो, तो दोनों विकल्पों का उपयोग ना तो एक साथ संभव हो और ना एक दूसरे का उपयोग दूसरे के बाद करने की व्यवस्था हो, तो ऐसी परिस्थिति में निर्वाचन की आवश्यकता पड़ती है कि भाई दो विकल्प हैं और दो विकल्प में से एक को चुनना है, दोनों साथ चुन नहीं सकते हैं। तो इसके लिए सेक्शन 35 में उल्लेख किया गया है, इसमें सेक्शन 35 में ये कहा गया कि जब कोई व्यक्ति किसी प्रलेख के द्वारा, किसी डॉक्यूमेंट के द्वारा दिए गए लाभ स्वीकार कर लेता है, तो उसे प्रलेख के द्वारा निर्मित उत्तरदायित्व भी स्वीकार करना पड़ेगा। मतलब अगर उसमें अधिकार राइट ले लिए एक डॉक्यूमेंट में, जो राइट दिए गए हैं उसे राइट भी दिए गए हैं और लाइबिलिटी भी दी गई है, तो दोनों को स्वीकार करना पड़ेगा। वो ऐसा नहीं कर सकता कि एक चीज कर ले, ये लाभ तो स्वीकार कर ले, उत्तरदायित्व स्वीकार ना करे। अगर वो दोनों को स्वीकार नहीं करना चाहता, ना करे, मतलब ये उसके विकल्प ये है कि या तो वो दोनों को स्वीकार करे या वो दोनों को स्वीकार ना करे, मतलब राइट भी उसे नहीं मिलेगा। एक व्यक्ति जो किसी वसीयत में लाभ उठाना चाहता है, तो उसे वसीयत के समस्त उपबंधों की पुष्टि करके वसीयतकर्ता के आशय को प्रभाव में लाना चाहिए। यानी वसीयत में ये कहा गया कि साहब ये प्रॉपर्टी तो इसे मिलेगी, लेकिन ये जो मेरी देनदारी है ये भी इसे भुगतान करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसे जब भी वो प्रॉपर्टी मिलेगी, जब वो देनदारी का वो करेगा, यानी उसे दोनों शर्तें माननी पड़ेंगी। वो ये नहीं कर सकता कि साहब ये प्रॉपर्टी तो ले ले और जो देनदारी उसमें दी गई है वो नहीं दे। अब ऐसा हो सकता है कि प्रॉपर्टी कम मिल रही हो, देनदारी ज़्यादा है, तो ये विकल्प है उसके पास, वो दोनों ना ले। तो निर्वाचन का सिद्धांत के जो महत्वपूर्ण पहलू हैं वो ये हैं कि ऐसा व्यक्ति निर्वाचन कर सकता है जो संपत्ति का स्वामी हो। यदि कई व्यक्ति संपत्ति के स्वामी हो तो सभी निर्वाचन कर सकते हैं, सभी इलेक्शन कर सकते हैं। निर्वाचन का सिद्धांत सामयिक सिद्धांत है और बराबरी के आधार पर सिद्धांत है। संपत्ति अंतरण के तभी निर्वाचन के लिए बाध्य है कि जब ऐसा व्यक्ति स्वामी का संपत्ति का स्वामी ना हो, अन्य को संपत्ति अंतरित करने को कहता है, उसी अंतरण के संव्यवहार के रूप में अंतरणकर्ता संपत्ति के वास्तविक स्वामी को लाभ देता है। अनुसमर्थन निर्वाचन से भिन्न होता है, ठीक है। अब इसमें एक उदाहरण से समझ लेते हैं कि एक फार्म गा की संपत्ति है जिसका मूल्य 800 रुपए है, का उसे दान रूपी संलेख द्वारा खा को अंतरित कर देता है। मतलब गा की संपत्ति गा की है, का दान जो है खा को दे देता है, ठीक है। और ये करता है कि उसी संलेख द्वारा गा को 1000 रुपये का फायदा प्रदान करता है। गा जो है जिस संपत्ति का मालिक है उसे 1000 रुपये का फायदा प्रदान करता है। अब गा के पास दो विकल्प हैं, या तो वो 1000 रुपये का फायदा ले ले और संपत्ति दे दे, या अपनी संपत्ति को अंतरित कर देने से मना कर दे कि भाई मैं नहीं दे रहा, यानी 1000 का फायदा भी नहीं ले रहा। तो इसे हम अंतरण कहते हैं कि भले ही वो संपत्ति का मालिक नहीं है, तब भी जो है उसे उसके कर दिया और उसके कोई लाभ प्राप्त हो रहा है, तो लाभ मिल सकता है इस अंतरण के आधार पर। तो इसमें क्या है, संपत्ति का अनाधिकृत अंतरण हो, यानी अंतरण करने का अधिकार नहीं था जो है उसको, जो है का को, लेकिन उसने अंतरण कर दिया,
ठीक है, संपत्ति का वास्तविक अंतरण होना चाहिए, वास्तविक अंतरण हो गया। निर्वाचन के लिए बाध्य व्यक्ति का अनाधिकृत रूप से अंतरित संपत्ति में हित होना चाहिए, जो 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 वो है बाध्य व्यक्ति निर्वाचन के लिए, जो बाध्य व्यक्ति यानी गा जो है उसका हित होना चाहिए, एक ही संव्यवहार में होना चाहिए यानी सेम ट्रांजेक्शन होना चाहिए, और लाभदान डायरेक्टली जो है उसे लाभ मिलना चाहिए। निर्वाचन दो तरह से हो सकता है, एक स्पष्ट एक्सप्रेस इलेक्शन और एक विवक्षित भी हो सकता है, यानी विवक्षित से मतलब इम्प्लाइड। इसमें क्या है, यदि निर्वाचन करने वाला जो है अभीष्ट व्यक्ति प्रदत्त लाभ को स्वीकार कर ले, अगर लाभ जो है निर्वाचन करने वाला वो स्वीकार कर लेता तो इसका मान लिया जाएगा कि उसने लाइबिलिटी भी स्वीकार कर ली है। तीसरा, प्रदत्त लाभ का लगातार दो वर्ष तक उपयोग कर लिया हो, अगर दो वर्ष तक उसने लाभ लेके उपयोग भी कर लिया तो भी ये मान लिया जाएगा कि हाँ सर ले लिया हमने। यदि प्रदत्त लाभ का उपयोग इस प्रकार किया गया हो कि उसे मूल रूप से वापस किया जाना संभव ना हो, यानी उसने ऐसे भी प्रयोग कर लिया उसका कि उसे वैसे जैसे था वैसे वापस किया जाना संभव नहीं है, तो भी जो है इसे मान लिया जाता है। अब हम बात करते हैं मोर्टगेज की, यानी बंधक मोर्टगेज। अब इसकी जो परिभाषा दी गई है संपत्ति अंतरण अधिनियम के 58 का में दी 58A, इसमें क्या क्या कहा गया कि बंधक विनिर्दिष्ट स्थावर संपत्ति में के किसी हित का वो अंतरण है जो उधार के तौर पर दिए गए या दिए जाने वाले धन को समुदाय को या वर्तमान या भावी ऋण के समुदाय को या ऐसे वचनबद्ध का पालन जिसमें धन संबंधी दायित्व पैदा हो सकता है प्रतिभूत करने के प्रयोजन से किया जाता है। यानी कि कोई लोन के गारंटी के लिए अगर हम कोई जो है संपत्ति देते हैं, हित का अंतरण करते हैं तो उसे बंधक कहते हैं, या कोई वचन के पालन के लिए कि साहब ये किया जाएगा उसकी गारंटी के लिए एक जो है ट्रांसफ़र करते हैं संपत्ति के हित का, उसे जो है हम बंधक कहते हैं। अब बंधक के आवश्यक तत्व क्या होगा कि अचल संपत्ति में इस हित का अंतरण होना चाहिए, यानी जो है इस परिभाषा के हिसाब से केवल मूवेबल प्रॉपर्टी का अंतरण नहीं होगा, इमूवेबल प्रॉपर्टी का ही अंतरण होगा इंटरेस्ट का, ठीक है। दूसरा, अचल संपत्ति स्पष्ट तथा विनिर्दिष्ट होनी चाहिए, यानी स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ये बंधक रखी की जो संपत्ति है वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए सब ये संपत्ति है। और तीसरा, प्रतिफल भी होना चाहिए। जैसे प्रतिफल क्या हो सकता है, जैसे ऋण द्वारा धन पहले ही दे दिया गया है, पहले ही लोन दे दिया गया है, या लोन दिया जाना है, या मौजूदा लोन है, या भविष्य के लिए लोन है, या किसी ऐसे कार्य के पालन में है जिसमें आर्थिक दायित्व हो। कार्य भी ऐसा होना चाहिए जो आर्थिक दायित्व हो, जिसमें अगर आर्थिक दायित्व नहीं है तो उसके लिए कोई वो जो है बंधक नहीं हो सकता। बंधक के लिए दो पक्ष होने चाहिए, एक बंधककर्ता, दूसरा बंधक ग्रहीता। बंधक जो है प्राप्त करने वाला बंधक ग्रहीता हुआ, बंधक देने वाला जो है बंधककर्ता। अब इसमें बंधक के भी कई सारे प्रकार होते हैं, जिसमें एक है सादा बंधक, सिंपल मोर्टगेज, ठीक है। सादा बंधक, इसमें की विशेषताएं ये हैं कि संपत्ति का कब्जा बंधककर्ता द्वारा नहीं दिया जाता, बंधककर्ता द्वारा बंधक धन की वापसी का व्यक्तिगत दायित्व होता है, इसमें जब्ती की व्यवस्था नहीं होती है। सादा बंधक केवल पंजीकृत विलेख द्वारा किया जा सकता है यद्यपि प्रतिभूति धन 100 रुपये से कम, यानी 100 रुपये से कम है तो भी जो है पंजीकरण विलेख द्वारा ही किया जा सकता है। भुगतान ना होने की स्थिति में बंधकदार को बंधक संपत्ति विक्रय करने का हक होता है, भुगतान ना करने का। बंधककर्ता को विक्रय की आमदनी को बंधक धन में उपयोजित करने का हक होता है बंधक करता। अब सशर्त विक्रय द्वारा बंधक, यानी 58 गा में ये कहा गया, 58 सादा बंधक 58B में, 58B में किया गया, 58A में परिभाषा दी गई बंधक की, 58B में जो है सादा बंधक हुआ, 58C में 58 गा में सशर्त विक्रय द्वारा बंधक हुआ। इसमें क्या होता है कि बंधककर्ता संपत्ति को प्रकट रूप में बेच देता है, इस शर्त पर कि किसी निश्चित तारीख को बंधक धन के समुदाय के व्यतिक्रम होते ही विक्रय अत्यंतिक हो जाएगी। मतलब सेल तो किया लेकिन सेल जो है पूरी नहीं हुई, कंडीशनल सेल है कि अगर वो जो है समुदाय नहीं करेगा, पेमेंट नहीं करेगा
तो वो विक्रय मान लिया जाए, मतलब सेल मान ली जाएगी अगर उसने पेमेंट नहीं किया, मतलब पहली सेल कर दिया उसे कि साहब ये सेल तो कर रहा हूँ, लेकिन इस शर्त पे कि अगर मान लीजिए ये जो लोन मैंने ले रखा है अगर इसका मैं पेमेंट नहीं करूँगा ये सेल मान ली जाएगी, नहीं तो सेल नहीं। ठीक। अब तीसरा होता है भोग बंधक। ये तो जो है, तो ये जो है इसमें 58 घा में कहा गया, यूजू फ्रैक्चरी मोर्टगेज को, कि जहाँ की बंधक संपत्ति का कब्जा बंधकदार को प्रदान कर देता है या प्रदान करने के लिए प्रकट या प्राधिकृत कर देता है और बंधक धन की अदायगी किए जाने तक वो ऐसा कब्जा धारण करे। इसका मतलब ये होता है कि कब्जा जो है पहले वाले में जो है कब्जा उसे दे दिया गया, उसके पास रहा था बंधककर्ता के, दूसरे वाले में सशर्त सेल कर दी गई तो वो सेल हो गई। ठीक है। तीसरे वाले में ये कि कब्जा तो दे दिया गया लेकिन कब्जा उत्पन्न उसके पास ही रहेगा जिससे हमने लोन लिया है, और जो है वो जो उसका ब्याज या लाभ जो होगा वो उसमें एडजस्ट होता रहेगा, और जो है जब भी कब्जा वापस मिलेगा जब जो है लोन का पेमेंट कर दिया जाएगा या उस दायित्व को कर दिया जाएगा। और चौथा है अंग्रेजी बंधक, इंग्लिश मॉर्गेज। इसमें 58 ई में इसकी परिभाषा दी गई, 58 ई में 58 ला में, कि बंधककर्ता बंधक धन का प्रतिदान निश्चित तारीख को करने के लिए अपने को आबद्ध कर देता है और बंधक संपत्ति बंधकदार को अत्यंतिक रूप से किंतु इस परंतु के अधीन अंतरित करता है कि करार के द्वारा बंधक धन की अदायगी या बंधकदार को प्रति अंतरित कर देगा। इसमें संपत्ति का पूर्ण अंतरण होता है। ठीक है। बंधकदार का बंधक धन के लिए व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होता है, ये बंधक की शर्तों की प्रकृति पर निर्भर करता है। जब्ति का अधिकार नहीं होता परंतु विक्रय का अधिकार होता है, जब्ति का अधिकार नहीं होता। 100 रुपये के प्रतिफल से अधिक रजिस्ट्रेशन जरूरी होता है। बंधककर्ता एक निश्चित दिनांक को बंधक पत्र बंधकदार को देने का वायदा करता है। तो ये जो है यह, और पांचवा होता है स्वत्व विलेख के निक्षेप जमा द्वारा बंधक या साम्य बंधक, यानी मोर्टगेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड और इक्विटी बिल। इसमें कुछ नहीं किया, इसमें जो है उसने 58F में, यह है 58 58 4 में, कि इसमें प्रतिभूति जो डॉक्यूमेंट है वो बंधक करता है उसको। प्रतिभूति सृजन का आशय होता है, दस्तावेजों का आधिपत्य प्रदान कर देता है, ऋण का अस्तित्व होता है। बंधक कलकत्ता, ये इसके लिए ये है कि कलकत्ता मद्रास और बम्बई नगरों में ही होना चाहिए। राज्य सरकार द्वारा शासकीय राजपत्र में अधिसूचना निकालने के पश्चात किसी अन्य में शहर में भी इसे बंधक किया जा सकता है। तो इसमें खाली डॉक्यूमेंट जो है वो बंधक कर दिया जाता है। छठा है विलक्षण बंधक, 58 6 में है, एनोमेलस मोर्टगेज। इसमें क्या होता है कि जो बंधक सादा बंधक, सशस्त्र विधक, ये बंधक इनमें पांचों में नहीं आता है वो विलक्षण बंधक, कि जो इसमें इस कैटेगरी में नहीं आता है तो वो इसमें आएगा। इस बंधक की विशेषताएं ये होती हैं कि आधिपत्य नहीं दिया जाता, पंजीकरण कराना आवश्यक नहीं होता, पंजीकरण कराना अत्यंत आवश्यक होता है, दो बंधकों की प्रकृति होती है, मतलब एक में एक की एक चीज़ ले ली, एक की एक चीज़ ले ली। पक्षकारों के अधिकार समयवार की शर्तों के अनुसार निर्धारित होते हैं, यानी जो वो है समयवार है ट्रांजेक्शन है उसके अनुसार उसके अधिकार वो होते हैं। अब सवाल ये उठता है कि बंधककर्ता के क्या अधिकार होते हैं। एक तो विमोचन का अधिकार, यानी राइट टू रिडेम्पशन होता है कि साहब वो वापस आप अपना ले सकता है, सेक्शन 60। ठीक है। तृतीय पक्ष को अंतरण करने का अधिकार, तृतीय पक्ष को उसे अंतरण कर सकता है, थर्ड पार्टी को अंतरण कर सकता है, लोन समेत अंतरण होगा बंधक समेत। दस्तावेज को पेश करने तथा निरीक्षण का अधिकार, इसमें ये सेक्शन 60 में सारी दी गई है। पृथक तथा साथ साथ मोचन का अधिकार, सेक्शन 61 में बंधककर्ता को पृथकतया या साथ साथ मोचन का अधिकार होता है कि दो से अधिक बंधक एक ही बंधकदार के पक्ष में है तो वो एक एक को भी कर सकता है, ऐसा नहीं कर सकता कि साहब पूरा लोन चुका हो जब भी बंधक अब छूटेगा। कब्जा जो है या भोग बंधककर्ता का अधिकार, यानी अगर भोग बंधक है तो वो कब्जा जो है ये अधिकार, दस्तावेज रखने का अधिकार उसे होता है। अनुवृद्धि लेने का अधिकार, यानी जो अगर उसमें बढ़ गया है कुछ तो उसे लेने का अधिकार या एडजस्ट कराने का अधिकार होता है।
अभिवृद्धि का अधिकार इंप्रूवमेंट का उसे अधिकार होता है, बंधकित पट्टे का नवीनीकरण करने का अधिकार होता है, पट्टे करने का अधिकार होता है। जो दायित्व है बंधककर्ता के वो है स्वत्व हेतु करार, स्वत की रक्षा हेतु करार, मतलब टाइटल हेतु टाइटल है, लोक प्राभारों के भुगतान की संविदा, भाटक की अदायगी की प्रसंविदा, यानी भाटक किराया हुआ किराए की भुगतान की संविदा, ये सारी चीज़ें जो है ये बंधककर्ता के कर्तव्य और अधिकार होते हैं। अब बंधकदार जो है उसे क्या अधिकार मिलते हैं, विक्रय या प्रबंध, मतलब इसकी शर्तों के अनुसार उसे अधिकार मिलेंगे जिस तरीके का बंधक है। अब हम बात करते हैं लीज की। लीज की जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 105 में TPA एक्ट में दी गई। इसमें क्या है, स्थावर संपत्ति का पट्टा ऐसी संपत्ति का उपयोग करने का अधिकार का ऐसा अंतरण है जो एक अभिव्यक्त या विवक्षित समय के लिए या शाश्वत काल के लिए किसी कीमत के जो दी गई हो या जिसे दिए जाने का वचन दिया गया हो, अथवा धन या फसलों के अंश या सेवा या किसी अन्य मूल्यवान वस्तु के जो काल व कालावधि रूप से या विनिर्दिष्ट अवसरों पर अंतरित द्वारा उसे अंतरण को ऐसे निर्बंधनों पर प्रतिगृहित करता है, अंतरक को दी जानी है, प्रतिफल के रूप में किया जाए। यानी एक साधारण शब्दों में किराएदारी को पट्टा कहते हैं, ठीक है, लीज कहते हैं ऐसे। चलिए, इसमें सबसे पहली बात ये है कि अचल संपत्ति होनी चाहिए। पट्टा जो है, किराया जो है, अचल संपत्ति का ही दिया जाएगा TPA एक्ट के सेक्शन 105 में। दूसरा, उपभोग का अधिकार, यूज का अधिकार उसे दिया जाता है, मालिक वो नहीं बन जाता। तीसरा, एक निश्चित अवधि होती है जो है, एक फिक्स पीरियड होता है, वो फिक्स पीरियड तक ही दिया जाता है। और चौथा, कैपेसिटी ऑफ पार्टी, पक्षकारों की क्षमता होती है पट्टाकर्ता की जो है वो पट्टा करने के लिए सक्षम होना चाहिए संविदा अधिनियम के अंतर्गत। पांचवा, प्रतिफल होता है। प्रतिफल ये होता है कि सर इतना किराया दिया जाएगा या इस तरीके से दिया जाएगा, ये या ये वस्तु दी जाएगी इस तरह से। अब पट्टा के भी कई सारे प्रकार होते हैं, जैसे निश्चित अवधि वाला पट्टा, एक निश्चित अवधि वाला पट्टा हुआ, एक सामयिक पट्टा होता है, पीरियोडिकल लीज होते हैं, एक शाश्वत काल के लिए पट्टा होता है, ये जो है एक लीज इन प्रॉपर्टी। ऐसे पट्टे में केवल संपत्ति के उपयोग का अधिकार का, इस कारण इसे विक्रय की श्रेणी में नहीं रखा जाता, पट्टा सदैव चलता रहता है, सदैव लीज पे रहता है, तो इसे शाश्वत काल कहते हैं। पट्टे कैसे किए जाते हैं, लिखित द्वारा, तो अनिवार्य रजिस्ट्रेशन द्वारा, एक वर्ष या इससे अधिक के लिए पट्टा के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, उसे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, अगर रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो जो है वो पट्टा नहीं माना जाएगा। दूसरा, स्थावर संपत्ति के एक वर्ष से कम अवधि के लिए अन्य पट्टे, अगर रजिस्ट्री अनिवार्य नहीं है, यदि रजिस्ट्रेशन चाहें तो करा सकते हैं एक वर्ष से कम वाले लिए। दूसरा, कब्जा परिधान द्वारा पट्टा, यानी कब्जा दे दिया उससे पट्टा हो गया, ठीक है। पट्टा समाप्त कैसे किया जा सकता है, तो इसमें सेक्शन 111 में 8 प्रकार के उपबंध हैं। इस पहली बात ये कि पट्टे की समाप्त अवधि समाप्त हो गई, जितना टाइम था वो समाप्त हो गया। किसी निश्चित घटना घटने पर, यानी उसने एक घटना कर दी है तो वो घट जाएगी, तो है उसने कहा कि साहब जो इसे मैंने पट्टा दिया है उसके जीवन काल तक ही रहेगा वो पट्टा, तो उसके बच्चों को नहीं मिलेगा, वो खत्म हो जाएगा। पट्टाकर्ता के हित की समाप्ति, यानी अगर पट्टाकर्ता ही जो है मालिक है, उसके हित समाप्त हो गया तो उससे पट्टा समाप्त हो जाएगा, कि उसने बेच दिया उसको तो वो पट्टा स्वतः समाप्त हो जाएगा। विलियन द्वारा, यानी मर्जर, उसने संपत्ति को मर्ज कर दिया अपने किसी अन्य संपत्ति में, तो भी हो जाएगा। स्पष्ट समर्पण द्वारा, समर्पण गया पट्टे में निहित हित को पट्टाकर्ता के पक्ष में त्याग दिया, कि पट्टाकर्ता ही को दे दिया उसको। विवक्षित या अस्पष्ट समर्पण द्वारा, यानी इम्प्लाइड सरेंडर, उसने इम्प्लाइड सरेंडर कर दिया कि हाँ सब ये तुम ही ले लो संपत्ति, तो वो सरेंडर हो गया। सातवां, समर्पण या जब्ती द्वारा, फोरफीचर द्वारा भी संपत्ति वो जो है वो हो जाएगा। छोड़ देने की सूचना की समाप्ति के द्वारा भी हो जाएगा। इसमें ये प्रावधान किया गया कि 106 के अनुसार अगर सूचना दी जाती है तो भी संपत्ता पट्टा जो है समाप्त हो जाएगा। इसमें क्या प्रावधान किया गया, अगर पट्टा साल दर साल है, साल दर साल या मास दर मास का हो, तो पट्टे की अवधि निर्धारित नहीं है, तो वहाँ पर पट्टे की समाप्ति समय व्यतीत होने पे होगी। और इसमें जो है अब ये है कि 6 माह अगर वर्षानुवर्षी पट्टा है, 106 में 2002 में ये संशोधन किया गया,
कि अगर वर्षानुवर्षी यानी साल दर साल का पट्टा है तो 6 माह, और मास दर मास का पट्टा है तो 15 दिन का नोटिस देके उसे समाप्त किया जा सकता है। अब पट्टेदार के अधिकारों की बात करते हैं तो अभिवृद्धि, पट्टेदार का अधिकार क्या होता है? अभिवृद्धि के उपयोग का अधिकार। यदि पट्टे के चालू रहते हैं, संपत्ति में कोई अभिवृद्धि होती है तो वो पट्टे में समाविष्ट समझी जाएगी। संपत्ति के नष्ट होने पर पट्टा छोड़ने का अधिकार, यदि संपत्ति नष्ट हो जाती है तो वो पट्टा छोड़ सकता है पट्टेदार यानी लीजी जिसने ले रखा है किराए पर। और पट्टे से संबंधित संपत्ति की मरम्मत जो है उसे उसी को करानी पड़ेगी, संपत्ति की मरम्मत करा सकता है। कर आदि वसूल करने के बाद किराए से काटने का अधिकार, अगर टैक्स उसे नहीं देना है तो वो किराए में से उस टैक्स को काट सकता है। भूबद्ध वस्तुओं को हटाने का अधिकार, अगर भूमि में वस्तुएं लगी हुई हैं तो उसे हटाने का अधिकार होता है। उगती फसलों को हटाने का अधिकार, अपने हित को अंतरित कराने का अधिकार, जो अपना हित है उसे अंतरित कराने का अधिकार, ये भी शर्त के अनुसार हो सकता है कि वो अपना जो यूज़ का हित है वो अगर चाहे तो ट्रांसफ़र कर सकता है या नहीं कर सकता है। अगर ट्रांसफ़र कर सकता है उसमें लिखा हुआ होगा, नहीं कर सकता तो नहीं लिखा हुआ तो उसे जो है नहीं करने का अधिकार। अब पट्टेदार के जो दायित्व हैं वो सेक्शन 108 में दिए गए हैं कि पट्टे की समाप्ति की तात्विक वृद्धि के समय तथ्य प्रकट करे कि साहब इसमें पट्टे की समाप्ति पर यह वृद्धि हुई है। उसका कर्तव्य लगान की अदायगी करना है। पट्टे की समाप्ति को अच्छी हालत में दे। पट्टे की समाप्ति को युक्ति से रूप से प्रयोग करे। पट्टे की समाप्ति पर स्थायी निर्माण ना करे। पट्टे को उसकी समाप्ति पर शांतिपूर्वक वापस करें और पट्टाकर्ता को संपत्ति पर हुए अगर कोई अतिक्रमण करता है तो उसकी भी सूचना दें। अब पट्टाकर्ता के क्या अधिकार होते हैं? जो पट्टा कर रहा है उसके किराए को प्राप्त करने का अधिकार, पहला तो ये किराया प्राप्त करेगा। पट्टे से संबंधित संविदाओं को पालन करवाने का अधिकार, अगर उसमें कोई संविदा की गई है, कंटेक्ट किया गया है, उसका पालन। स्वामी के अवशिष्ट अन्य अधिकार, स्वामित्व के जो बाकी अधिकार हैं वो उसी के रहेंगे। अब इसके दायित्व क्या है पट्टाकर्ता के? पट्टाकर्ता द्वारा त्रुटि को प्रकट करने का अधिकार, अगर उसकी प्रॉपर्टी में कोई कमी है तो उसे बताना पड़ेगा उसको। दूसरा, पट्टाकर्ता द्वारा पट्टेदार को कब्जा देने का कर्तव्य, कब्जा देगा वो। और तीसरा, पट्टाकर्ता द्वारा पट्टेदार को शांतिपूर्ण उपभोग करने देने का अधिकार, कर्तव्य उसे जो शांतिपूर्ण तरीके से जो है वो उसे यूज करने देगा। अब बात करते हैं ईजमेंट। तो ईजमेंट एक्ट भारतीय सुखाधिकार अधिनियम 1882 है जिसमें ईजमेंट के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। इसमें ईजमेंट एक्ट में सबसे पहली बात यह है कि ईजमेंट होता क्या है, इसको समझा जाए। अलग अलग विधि शास्त्रियों ने इस पे बात की है। हम ईजमेंट एक्ट पे आ जाते हैं तो भारतीय सुखाधिकार अधिनियम की ईजमेंट एक्ट की सेक्शन 4 में इसकी परिभाषा दी है, जिसे ईजमेंट को सुखाचार कहा जाता है हिंदी में। सुखाचार एक ऐसा अधिकार है जो किसी भूमि के स्वामी अधिभोगी को, अधिभोगी यानी कब्जेदार, उस हैसियत में उस भूमि के फायदाप्रद उपयोग के लिए किसी अन्य भूमि में या उस पर या उसके संबंध में जो उसकी अपनी नहीं है, कोई बात करने, करते रहने या किसी बात का किया जाना रोकने और रोकते रहने के लिए प्राप्त है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहली बात यह है कि संपत्ति दो होनी चाहिए, एक तो अधिभावी यानी डोमिनेंट होनी चाहिए और एक जो है अधिसेवी होनी चाहिए यानी जो है सर्वियंट होनी चाहिए, यानी एक के अधिकार को यूज़ करना है और दूसरी में से सेवा करनी है, दूसरे में से यूज़ करना है, दो संपत्ति है। यानी जैसे हम के उदाहरण के लिए समझ लें, आ तथा बा के खेत आसपास हैं, आ को अपने खेत में जाने के लिए बा के खेत से होकर जाना पड़ता है, तो जो खेत में से जाने का अधिकार है बा के खेत से, जो उसकी प्रॉपर्टी नहीं है, ये सुखाधिकार है। तो इसमें आ जो है अधिसेवी अधिभावी है क्योंकि उसके खेत के लिए मिलना, और बा अधिसेवी है कि बा उस सेवा को प्रदान कर रहा है। दूसरा, दोनों संपत्ति भिन्न भिन्न होने चाहिए, दोनों संपत्तियों के अलग अलग मालिक होने चाहिए। अगर एक मालिक है तो अधिभावी
या सुखाधिकार का मतलब नहीं है। तीसरा यह है, अधिभावी संपत्तियों में लाभकारी उपयोग के लिए कोई अधिकार अधिभावी संपत्ति में उपलब्ध होना चाहिए, यानी इसका अभिप्राय यह है कि अधिभावी संपत्ति में लाभकारी उपयोग होना के लिए यह अधिकार होना चाहिए। चौथा यह है कि यह अधिकार अधिभावी संपत्ति के अविच्छिन्न रूप से होना चाहिए, अलग से होना चाहिए कि अलग अलग मतलब ऐसा होना चाहिए कि अलग अलग करना उसे संभव ना हो, कि उसमें से जो रास्ते का अधिकार है वो अलग नहीं किया जा सकता, तभी वो अधिकार मिलेगा। यह अधिकार अधिभावी संपत्ति के स्वामी के व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं होना चाहिए, यह ऐसा नहीं है कि वो व्यक्तिगत लाभ के लिए करे, संपत्ति के लाभ के लिए केवल होना चाहिए कि संपत्ति को प्रयोग करने के लिए उसकी मजबूरी होनी चाहिए एक तरीके से। इस अधिकार द्वारा अधिभावी संपत्ति के स्वामी को कोई अधिकार उपलब्ध नहीं होना चाहिए, अधिसेवी संपत्ति को कोई अधिकार उपलब्ध नहीं होना चाहिए। इसका अभिप्राय यह है कि अधिसेवी संपत्ति को स्वामी को किसी प्रकार का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता और ना ही उसे कुछ करने के लिए बाध्य किया जा सकता है, अपितु उल्टा उसकी संपत्ति में दूसरे को अधिकार प्राप्त हो जाता है, यानी उसे कुछ इसके बदले में नहीं मिलता। सातवां सुखाधिकार आंशिक अधिकार होता है। सुखाधिकार एक पूरा अधिकार नहीं है, पार्शियल अधिकार है। ऐसा अधिकार अमूर्त तथा सार्वभौम अधिकार होना चाहिए, यानी सुखाधिकार एक प्रकार का इनकॉर्पोरल अधिकार होना चाहिए होता है। सुखाधिकार की पूर्ति के लिए कोई व्यक्तिगत दायित्व उसका नहीं होता है। अब सुखाधिकार की प्रकृति क्या होती है, नेचर ऑफ ईजमेंट क्या होता है, उसके लिए सेक्शन 7 में क्लियर किया गया है। तो इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो उपभोग करने का अनन्य अधिकार, एक्सक्लूसिव राइट टू यूज, दूसरा स्थिति से उत्पन्न होने वाले लाभों का स्वत्व, यानी स्थिति से उत्पन्न होने वाले प्राकृतिक लाभों के बिना किसी दूसरे के विधि डाले उपयोग करने का अधिकार। अब सुखाधिकार के प्रकार क्या होते हैं, इसमें अविच्छिन्न तथा विच्छिन्न सुखाधिकार, यानी कंटिन्यूअस और एंड डिसकंटिन्यूअस। इसमें एक अविच्छिन्न वो है कंटिन्यूअस, जिसका उपयोग किसी व्यक्ति के कार्य के आभार के बिना किया जा सकता है। उपयोग में व्यक्ति के कार्य की आवश्यकता होती है, मतलब एक जो है बिना किसी कार्य की किया जा सकता है, जैसे बाकी मकान के साथ पड़ोसी आ की अड़चन के बिना आँख खिड़की से रोशनी पाने का अधिकार है, यह अविच्छिन्न है कि वो उसके लिए जरूरी है। दूसरा ये कि बाकी भूमि से होकर आपको अपने घर जाने का रास्ते अधिकार जो है वो विच्छिन्न अधिकार है, यानी डिसकंटिन्यूअस है कि जब जाएगा जब ही वो अधिकार मिलेगा, वो रेगुलर नहीं मिलेगा, हर टाइम नहीं मिलेगा। अब उदाहरण क्या हो सकते हैं, नाली खिड़कियाँ रोशनदान तथा दरवाजे या नल आदि का प्रयोग का अधिकार, ये सुखाधिकार हो सकता है। अप्रत्यक्ष सुखाधिकार से तात्पर्य यह है जैसे स्थाई चिन्ह नहीं होते और उसमें स्थाई नहीं किया जा सकता, जैसे का को अपनी भूमि पर मकान बनाने से खा अपने पूर्व निर्मित मकान के उचित प्रयोग से रोकता है, तब इसे अप्रत्यक्ष सुखाधिकार कहते हैं कि उसे उतने जो है उस रास्ते को बंद करने का अधिकार नहीं है, वो मतलब अपना मकान बनाने में भी दोबारा उसे यूज नहीं कर सकता है, मतलब उस रास्ते को देना ही पड़ेगा उसको यूज़ करने के लिए, उसे खुला छोड़ना पड़ेगा। ये हो सकता है कि वो उस रास्ते को वो भी यूज़ करता हो, दोनों यूज़ कर सकते हैं। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सुखाधिकार हो गया। तीसरा स्थाई सीमित तथा सशर्त सुखाधिकार, एक स्थाई हो सकता है, एक सीमित हो सकता है, लिमिटेड हो सकता है, स्थाई परमानेंट हो सकता है, लिमिटेड हो सकता है, कंडीशनल हो सकता है। सकारात्मक और नकारात्मक होता है, सकारात्मक पॉजिटिव, नकारात्मक नेगेटिव। पॉजिटिव वो होता है कि जिसमें कुछ करना है उसे, और नेगेटिव जो कुछ नहीं करना है, यानी उसे रोकना नहीं है, वो जो है सकारात्मक और नकारात्मक हो सकता है। अब सुखाधिकार अर्जित कौन कौन कर सकता है, यानी किसे किसे मिल सकता है, तो सेक्शन 12 में ये कहा गया कि जो है स्वामी और अधिपत्यधारी, यानी स्वामी और अधिपत्यधारी यानी कब्जेदार, और दूसरा पट्टा गृहता, पट्टा जिसने ले रखा है वो, और तीसरा सह स्वामी, साथ में स्वामी है, तो ये जो है वो ले सकते हैं। अब सुखाधिकार अर्जित कैसे होगा, यानी मिलेगा कैसे, तो उसमें अनुदान द्वारा मिल सकता है, सेक्शन 8 में कहा गया बाई ग्रांट, यानी जो है संपत्ति के हित को अंतरित हस्तांतरित करने की क्षमता, उसने कहा कि हाँ भाई ठीक है ये यूज़ करते हैं ना, आवश्यकता द्वारा, दूसरा जरूरत है उसकी, उस जरूरत के द्वारा उसे मिल जाएगा,
तीसरा सुखाधिकार कल्प प्रतिमासिक अर्ध सुखाधिकार द्वारा यानी अर्ध सुखाधिकार या सुखाधिकार कृत्य से अभिप्राय से सुखाधिकार से जो अधिकारी संपत्ति के सुखकारी उपयोग के लिए आवश्यक तो नहीं था जितना आवश्यक सुखाधिकार के मामले में होता, परंतु एक ही स्वामी या दो से अधिक स्वामी ने एक दूसरे से पृथक हो जाने पर इसकी उपस्थिति को अनुदान के रूप में स्वीकार कर लिया। जरूरी नहीं था, लेकिन जब अलग अलग हुई वो संपत्तियां तो उन्होंने स्वीकार कर लिया, चलो भाई ठीक है एक ही रास्ते से निकलते रहेंगे। चौथा है चिरभोग द्वारा यानी बाई प्रेस्क्रिप्शन। ये सेक्शन 17 में जो है इसका और 15 में वर्णन किया गया है कि शांतिपूर्वक बिना किसी अवरोध के विरोध के लगातार प्रयोग करता रहता है तो उसे चिरभोग कहते हैं। इसकी हम आगे बात करेंगे। चिरभोग जो है बहुत लंबे समय से उपयोग के द्वारा जो है सुखाधिकार प्राप्त हो जाता है। रूढ़ी द्वारा एक कोई कस्टम द्वारा अगर सुखाधिकार मिलता है तो सेक्शन 18 ये करती है। और हस्तांतरण द्वारा सुखाधिकार मिलता है यानी जब कभी संपत्ति का हस्तांतरण किया जाता है उसके साथ उसका सुखाधिकार भी हस्तांतरण हो जाता है। एक विधान द्वारा धारा 19 कहती है किसी कानून के द्वारा ऐसा किया जाए तो भी वो हो जाता है। अब बात चिरभोग की हो रही थी कि जब चिरभोग से सुखाधिकार कैसे मिलता है। सेक्शन 15 में परिभाषा दी गई है। इसमें दावा किए जाने वाले अधिकार का उपभोग किया गया हो, उपभोग किसी के सहमति के बिना हो यानी अनुदान द्वारा ना हो, उपभोग शांतिपूर्ण तरीके से किया गया हो, उपभोग अधिकार के रूप में किया गया हो, उपभोग प्रत्यक्ष रूप से किया गया हो और सुखाधिकार के समान उपभोग हो और बिना विघ्न बाधा के उपयोग किया गया हो, निरंतर 20 वर्षों से उपयोग किया जा रहा हो यानी कम से कम 20 वर्षों से जो लगातार उपयोग किया जा रहा है उसे जो है वो सुखाधिकार मान लिया जाता है। सुखाधिकार जो है वो उसे मिल जाता है कि साहब 20 साल से आप एक रास्ते से गुजर रहे हैं, भले ही वो ज़मीन आपकी नहीं है तो जो है वो उसे ईजमेंट के अंतर्गत माना जाता है। तो इसमें यह है कि अर्जित करने की जो शर्तें हैं इसकी चिरभोग वाली यानी जो है ईजमेंट की, पहली बात ये दावा किए जाने अधिकार का उपयोग किया गया हो यानी 20 साल से उपयोग किया जाता रहा हो, किसी की सहमति के आधार पर उपयोग उपभोग हो यानी संपत्ति के स्वामी या कब्जेदारी के सहमति के बिना होना चाहिए, सहमति के बिना कोई सहमति नहीं थी नहीं तो अनुदान हो जाएगा। तीसरा उपभोग शांतिपूर्ण हो यानी कभी झगड़ा साधना हुआ हो, कभी रोका ना गया हो, और सुभोग प्रत्यक्ष हो इन्जॉयमेंट, सुभोग का मतलब इन्जॉयमेंट, उपभोग अधिकार के रूप में किया गया हो, दावा किया गया अधिकार सुखाधिकार के समान उपभोग किया गया हो यानी सुखाधार जैसे किया जाता है वो उपभोग किया गया हो, व्यवधान ना हो कि कोई भी और 20 वर्ष तक उपयोग किया गया। अब सेक्शन 17 में कुछ पाबंदियां भी लगाई गई हैं कि चिरभोग द्वारा यानी लंबे समय से प्रयोग द्वारा कौन सा सुखाधिकार प्राप्त नहीं किया जा सकता है। पहला ऐसा स्वत्व जो के विषय में जो उस संपत्ति को जिस पर वो अर्जित किया जाए वो उसका विनाश का कारण बने। ऐसा नहीं हो सकता कि विनाश का कारण बने, आप कहोगे साहब इधर से आपने, मैं तो साहब ये मैदान में आपका घर है और सब तरफ से हम तो गुजरते हैं खेलते रहते हैं तो वो तो उसका विनाश का कारण बन जाएगा, सब तरफ ही आप उपयोग करते रहोगे, कभी उसे बनाने नहीं दोगे उसके मालिक को, तो ये नहीं हो सकता है। भूमि के खुले मैदान पर प्रकाश या वायु के बेरोक टोक आने का स्वरूप, तो भूमि के खुले मैदान में वही जो मैं कह रहा हूँ, स्थल का पानी जो सोते में नहीं बहता तथा स्थायी रूप से गड्ढे या तालाब में एकत्र नहीं होता वो सुखाधिकार चिरभोग का अर्जित नहीं हो सकता है। स्थल के पानी यानी भूमि जल पे, स्थल के पानी पे, पृथ्वी के नीचे ऐसे जल वाले में जो निरूपित होने वाला ना गुजरता हो वो भी नहीं हो सकता है, जो है भूजल से पे भी नहीं हो सकता है, जो वाटर लेवल वगैरह होता है उसमें नहीं होता।